एम्पायर सूटिंग शर्टिंग टेलरिंग एसेसरी डिजाइनर एंड रेडीमेड शोरूम के एम आर होल सेल फ्लावर मार्ट रूबरू उस्मानिया मस्जिद फूल बाजार दीन खंदिल रायचूर। रायचूर जिले का सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम भारत फर्नीचर। नाजरीन आदाब, A1 टीवी उर्दू रायचूर न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आज की अहम सुर्खी यह है कि जिले में कोरोना का कहर जारी, एक ही दिन में 160 नए मामले। महाराष्ट्र से आए मुसाफिर मजदूर जिले में कोरोना का शिकार बनने का सिलसिला जारी है। आज 29 मई को जिले में कोरोना पॉजिटिव के 160 नए मामले सामने आए, जिसकी वजह से जिले की अवाम में तश्वीश बढ़ गई। जिला डिप्टी कमिश्नर वेंकटेश कुमार ने बताया कि जिले में आए पाए गए 160 कोरोना मामलात में 56 मामलात देदुर्ग तालुके के पेश हैं, जो कि इस तालुके के मौजूद कम्बल दिन्नी, कोत्ता डड्डी, बागूर, करडी गुड्डा, इर्बगेरा, गब्बूर, बसवा नगर, बोमनहल्ली, इंगडाड़ के हैं, जबकि 5 मरीजों का ताल्लुक रायचूर तालुका के मौजा तुरकुंदुन्ना से है। इन्होंने कहा कि कर्नाटक स्टेट बुलेटिन में 62 मामले बताए गए हैं, जिसमें पेशेंट नंबर 1959 की रिपोर्ट दोबारा शामिल हुई है, लिहाजा आज मौसूला रिपोर्ट में सिर्फ 61 मरीजों का शुमार किया जाना चाहिए। इस तरह ज़िले में अब तक कोरोना पॉजिटिव के जुमला 133 मामले दर्ज किए गए हैं। इन तमाम मरीजों को ओपेक हॉस्पिटल में वाक़े कोविड सेंटर में दाखिल किया गया है।